हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 11th बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमलिया, इसका एक्सरसाइज, और साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं। फर्स्ट एमसीक्यू दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू अ माइनर फाइलम। तो यहाँ पर आपको चार एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एनिमल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइनर फाइलम से बिलोंग करता है। तो माइनर फाइलम यानी कि सबसे नीचे के ऑर्गेनिज्म, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें सबसे नीचे के एनिमल्स, जो जिनके बारे में अभी तक पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं है साइंटिस्ट को। तो इसका आएगा ऑप्शन ए, कॉम जेली। आप इसका इमेज दे सकते हो इस कॉम जेली ऑर्गेनिज्म का। देन सेकेंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एनिमल हैविंग वीनस हार्ट। तो वीनस हार्ट का मतलब ऐसा हार्ट होता है जिसमें सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये नॉर्मली जो होता है फिशेस में पाया जाता है, तो इसका सिंपली आ जाएगा रोहू, क्योंकि रोहू एक फिश है। बाकी सारे दूसरे एनिमल है, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, उसके बाद सेलेमेंडर भी एक रेप्टाइल है, टोड यानी कि मेंढक होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहू। उसके बाद सी है इन एस्करिसिस। तो इसका चार ऑप्शन है आपके पास, मेसोग्लिया इज प्रेजेंट, एंडोडर्म इज अ डिसकंटिन्यूअस लेयर, मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन पैचेस, एंड डी बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन पैचेस। देन क्वेश्चन नंबर 4 डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ बर्ड्स, प्रेजेंस ऑफ टीथ, प्रेजेंस ऑफ स्केल, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, होलो बोन्स। तो देखो यहां पर सबसे पहला वाला ही आएगा, एक क्वेश्चन बता सकता है प्रेजेंस ऑफ टीथ, यानी कि बर्ड्स में जो होता है वो टीथ, दांत नहीं होते हैं उनके, दांत की जगह जो उनका बीक यानी कि जो चोच है वो होता है उनमें। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ई है, चिटिनियस एक्सोस्केलेटन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। तो चिटिनियस एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, ये जनरली जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें पाया जाता है, कीड़ों मकोड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकल इंजरी से। और चिटिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो सिंपली ए इसका आ जाएगा मिलीपीड, एक मिलीपीड यानी कि जैसे हम लोग हिंदी में गोजर कहते हैं, तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसको कैसे दिखता है ये, इसके बहुत सारे पैर होते हैं और सब पैर के ऊपर ऐसा आपको दिखेगा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइन जैसा दिखता है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जो कि चिटिन एक पॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो इसका आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, राइट आंसर। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहला है, रेप्टाइल्स आर नोन फॉर हैविंग थ्री चैम्बर हार्ट, विच एनिमल शो अ नियर फोर चैम्बर कंडीशन इन रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में जनरली तीन चैम्बर होते हैं हार्ट में, बट ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें फोर चैम्बर हार्ट होता है। तो इसका आएगा क्रोकोडाइल, जिसमें फोर चैम्बर होते हैं, टू सुपीरियर एंड टू इन्फीरियर चैम्बर होते हैं हार्ट में। उसके बाद सेकेंड है, द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज इवॉल्व फ्रॉम ओपन टू क्लोज टाइप इन एनिमल किंगडम, विच फाइलम कैन बी कॉल्ड फर्स्ट टू रिप्रेजेंट द क्लोज सर्कुलेशन। तो ऐसा कौन सा फाइलम है जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें क्लोज सर्कुलेशन है, इसमें इधर से क्लोज सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो क्लोज सर्कुलेशन मतलब होता क्या है, यानी कि बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, ये वेसल्स में से जो ब्लड है वो पास होता है। तो इसका आ जाएगा आपके आंसर, यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो कि द फर्स्ट फाइलम दैट कैन बी सेड टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोलुस्का। उसके बाद यहाँ पर उसका आप आंसर दे सकते हो। देन सी है, पिना इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड इट इज फाउंड इन मेमल्स, डू एव्स एंड रेप्टाइल्स शो एक्सटर्नल ईयर इन एनी फॉर्म। सो पिना एक एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है, उसका एक पोर्शन होता है जो कि मेमल में मिलता है, मेमल यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड वाले एनिमल्स होते हैं। सो डू एव्स एंड रेप्टाइल्स यानी कि क्या बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में पाया जाता है क्या, तो देखो उसमें पीना नहीं होता है बट उनमें क्या होता है, टिम्पेनम होता है जो कि एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए इसका आंसर है। देन डी है, फिश एंड फ्रॉग कैन रिस्पायर इन वाटर, कैन दे रिस्पायर थ्रू देयर स्किन, इफ यस व्हाई डू दे हैव गिल्स। सो इसका आंसर आप ये देख सकते हो। उसके बाद बर्ड नीड टू कीप देयर बॉडी लाइट टू हेल्प इन फ्लाइंग, एंड दे शो प्रेजेंस ऑफ सम ऑर्गन्स ओनली ऑन वन साइड, हाउ देयर स्केलेटन हेल्प इन रिड्यूसिंग देयर वेट। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि जो बर्ड होती हैं, जो पंक्षी होते हैं, उनको फ्लाई करना होता है एयर में, इसलिए उनमें सिर्फ एक ही ऑर्गन पाया जाता है, बहुत सारे जो ऑर्गन बाकी सब जानवरों में पेयर्स में होते हैं, जैसे कि ओवरीज,
वो बाकी सभी मेमल्स में, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में पेयर में होता है, बट बर्ड में वो सिर्फ सिंगल होता है, ताकि बर्ड का जो वेट है वो कम हो सके और वो आसानी से उड़ सके। तो जो उनका हड्डी होता है, बोन होता है, वो कैसे उन्हें उड़ने में मदद करता है, उनका वेट कम करने में मदद करता है। तो इसका आंसर आप दे सकते हो, बर्ड बोन्स आर होलो विथिन, यानी कि उनका जो बोन होता है ना वो खाली होता है, अंदर से खोखला होता है, ताकि वहां पर आसानी से एयर पास हो सके और उनका वेट कम रहे और उड़ने में उनको मदद करें। तो यहाँ पर देख सकते हो, दे आर ऑल्सो फिल्ड विथ एयर, दिस बोन आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स, दिस हेल्प द बर्ड स्केलेटन टू बी लाइट, इन दिस वे द बॉडी वेट इज रिड्यूस। सो बोन इस तरह से मदद करता है बर्ड बर्ड का जो वेट है उसको कम करने में और फ्लाई करने में हेल्प करने में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडारिया एंड टीनोफोरस आर बोथ डिप्लोब्लास्टिक, विच अदर कैरेक्टर डू दे हैव इन कॉमन विच इज नॉट फाउंड इन अदर फाइला। सो यहाँ पर आप इसका आंसर देखते हो, निडारिया एंड टीनोफोरा बोथ हैव ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, बोथ हैव रेडियली सिमेट्रिकली बॉडी, बोथ ऑफ देम शो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, क्रेब एंड स्नेल बोथ हैव अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट इज मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। तो इसका आंसर आप दे सकते हो, देखो दोनों में एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन यानी कि जो उनको कवर करता है उनके आउटर पार्ट्स को, बट दोनों का क्या मटेरियल सेम होता है? नहीं। अगर आप एक क्रैब को, एक केकड़े को देखोगे तो आपको एकदम आउटर साइड से एकदम आपको कड़क दिखेगा, वहीं एक जो स्नेल होता है वो कितना कमजोर दिखता है, एकदम मुलायम दिखता है। तो दोनों का एक्सोस्केलेटन सेम तो नहीं रहेगा, बट वो किससे बना है इसका यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। तो क्रैब एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हाईली मिनरलाइज चिथिन प्रोटीन फाइबर्स, द शेल ऑफ स्नेल इज लार्जली मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विथ ओनली 2% प्रोटीन्स। सो ये इसका आंसर है। उसके बाद स्पॉन्ज एंड सी स्टार सो क्लेरिशियस प्रोटेक्टिव मटेरियल, डू दे बिलोंग टू द सेम फाइलम। सो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि कैसे PDF डाउनलोड करना है। देन फिश एंड स्नेक बोथ हैव स्केल, हाउ डू दिस स्केल डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसका आंसर यहाँ पर है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोअर फाइला लाइक आर्थ्रोपोडा एंड निडारिया शो मेटामोरफोसिस, इट इज ऑल्सो फाउंड इन एनी क्लास ऑफ फाइलम कोलोडाटा। तो ये इसका आंसर है। देन अगला कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम। आपको डायग्राम बनाने हैं, तो सबसे पहला है साइकोन का डायग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है साइकोन का डायग्राम। देखो डायग्राम आप कितना अच्छे से बनाते हो इससे कुछ मैटर नहीं करता है, बट जो लेबलिंग होता है डायग्राम का वो बहुत ही सही होना चाहिए, जो स्पेलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। अब डायग्राम ऐसा नहीं कि एकदम आपको आर्टिस्टिक तरीके से बनाना है, एकदम अच्छे से बनाना है, आप सिंपल सा डायग्राम बनाना, बस पता चलना चाहिए, अच्छे से लगना चाहिए कि हाँ वही है, और आप लेबलिंग बहुत अच्छे से करना, तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा ही। तो ये फर्स्ट साइकोन का डायग्राम है। देन सेकेंड है ऑरेलिया का डायग्राम, यहाँ पर आप ये देख सकते हो। देन एम्फीऑक्सिस का डायग्राम है। देन उसके बाद एक कटला फिश का डायग्राम है, यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे, लेटरल लाइन, डोर्सल लाइन, तो इसमें से आपको सब नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कौन कौन सा नाम लिखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ए आई का नाम लिखना, देन ए पेक्टोरल फिन, वेंट्रल फिन, ट्रंक हो गया, डोर्सल फिन, लेटरल फिन, फोर्क टेल और पेल्विक फिन और स्केल, इतना नाम लिखना, बाकी सब नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बेलिनोग्लोसस, इसका डायग्राम। और डायग्राम का गाइस आप प्रैक्टिस भी करते रहना अपने बुक में बना के, तभी आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद ये है छठवां स्कॉलिडोन का डायग्राम, तो उसमें सेकेंड डोर्सल फिन हो गया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फर्स्ट डोर्सल फिन लिखो, पेल्विक फिन लिखो, पेक्टोरल फिन लिखो और एक कोडल फिन लिखो, यही इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, सबसे पहले है फाइलम और यहाँ पर उसके कैरेक्टर्स दिए हैं, यानी कि जो फाइलम है एक कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं। तो सबसे पहले है एनलिडा, तो इसका आ जाएगा डी पैरापोडिया। देन सेकेंड है मोलुस्का, तो मोलुस्का का आएगा सी रेड्यूला। देन थ्री है टीनोफोरा, तो इसका आ जाएगा आपका ई कॉम्प्लेट्स। उसके बाद फोर्थ है पोरीफेरा, तो इसका आ जाएगा बी ओस्टिया। एंड पांचवा जो है इकाइनोडर्माटा, तो इसका आ जाएगा ए ट्यूफिट। तो लास्ट में देखो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिया गया है, ये पिक्चर्स में से आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है इसका नाम लिखना है, इसका फाइलम या फिर क्लास या फिर सब फाइलम जो भी होगा
उसका नाम लिखना है और उस फाइलम के कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहला आपको एक डायग्राम दिया है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, इसका आपका एनिमल का नाम है टोम्पोटेरिस, इसका फाइलम है एनिलिडा, और यहाँ पर एनिलिडा फाइलम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो आप यहाँ बस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर आपका डायग्राम है ईल, ईल एक फिश होती है जो कि बोनी फिश है, और यहाँ पर इसका फीचर दिया गया है, इसका क्लास वगैरह दिया गया है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद अगला आपका डॉल्फिन फिश है जो कि फिश नहीं एक्चुअली, ये मेमलिया क्लास में आती है, और इसका ऑर्डर आप देख सकते हो और फीचर्स ऑफ मेमलिया क्लास के, और मेमली जो क्लास है उसका आप ये फीचर देख सकते हो। उसके बाद स्नेक हो गया, ये रेप्टिलिया क्लास से आता है, और रेप्टिलिया क्लास के फीचर देख सकते हो, एनिमल्स बिलोंगिंग टू क्लास रेप्टिलिया आर क्रीपिंग एनिमल्स एज देयर लिम्ब आर स्मॉल एंड अंडर डेवलप, यानी कि रेंगने वाले प्राणी होते हैं, उसका आप ये देख सकते हो। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड और पोइक्यूलोथर्मिक, इनका जो खून होता है वो ठंडा होता है, उन्हें पोइक्यूलोथर्मिक एनिमल्स भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो है वो है सी अर्चिन, ये फाइलम है इकाइनोडर्माटा, और इकाइनोडर्माटा के आप यहाँ पर फीचर देख सकते हो। सो इट इज द एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम, ये पानी में पाए जाने वाले और समुद्र में पाए जाने वाले बहुत गहरे पाए जाने वाले जानवर होते हैं, ये फाइलम है इनका, ये इसका आंसर है। उसके बाद ये है एनिमल नेम ग्लाइडिंग लिजार्ड, फ्लाइंग लिजार्ड भी कहते हैं, ड्रेको भी कहते हैं, इसका क्लास है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के फीचर हमने पहले ही देख लिए थे, यहाँ पर जब स्नेक वाला देखा था तो यही वाला आप लिख देने का इसका फीचर्स। तो ये है यहाँ पर आपका ये एनिमल का नाम है नंबर ई एफ वाले का, ग्लाइडिंग लिजार्ड लिखो या फिर फ्लाइंग लिजार्ड लिखो या फिर ड्रेको लिखो, सब चलेगा। तो ये इसका एक पिक्चर है। उसके बाद अगला जो एनिमल है जी नंबर का, इसका नाम है हर्डमानिया, सब फाइलम है यूरोकोर्डाटा, फीचर आप देख सकते हो यूरोकोर्डाटा के, ये एक सब फाइलम है कोर्डाटा फाइलम के अंदर। देन अगला जो है उसका नाम है एनिमल का नोटिलस, ये फाइलम है इसका मोलिस्का, मोलिस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है वो देख सकते हो आप यहाँ पर। सो जो मेन मोलिस्का जो है उसका फीचर क्या है कि ये सॉफ्ट बॉडी है, इनके जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट होता है, मोलिस्का नाम से ही आपको पता चलेगा कि मोलिस्का मतलब एकदम मुलायम, तो ये सॉफ्ट बॉडी होते हैं, लिविंग है तो फ्री स्विमिंग और सेडेंट्री एनिमल्स, ये पानी में पाए जाते हैं, पानी में तैरते हुए रहते हैं या फिर पानी में कहीं एक जगह पेड़ की तरह पौधे की तरह जुड़े हुए होते हैं पानी में एकदम जमीन पे। उसके बाद आई नंबर का जो एनिमल है इसका नाम है एम्फियोक्सिस, और इसका सब फाइलम है सिफेलोकोर्डाटा, तो इसका फीचर देख सकते हो इसके सब फाइलम के सिफेलोकोर्डाटा, इधर सब फाइलम ऑफ अंडर फाइलम कोर्डेटा, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी कि ये समुद्र में पाए जाते हैं बिल्कुल गहराई में। देन लास्ट का क्वेश्चन दिया गया है ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई बॉडी सिमेट्री ऑफ गिवेन एनिमल्स, यानी कि इनका सिमेट्री क्या है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिज्म दिखेगा तो ये है असिमेट्रिकल, यानी कि इसका कुछ सिमेट्री नहीं है, कैसा है टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल है, अदरक की तरह एकदम टेढ़ा मेढ़ा, यहां से ज्यादा निकला है तो यहां से कम निकला है, फिर यहां से कम निकला है, तो अगर आप इसको बीच में से काटोगे तो इसमें कुछ सिमेट्री बनेगा ही नहीं, इस साइड ज्यादा पार्ट हो जाएगा, इस साइड ज्यादा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड नंबर का है यह है रेडियल सिमेट्री, देखो एक गोल एकदम पिज्जा की तरह है, तो अगर आप इसको बीच में सेंटर मान के काटते हो इस साइड से तो बाकी दोनों साइड एकदम बिल्कुल ही इक्वल पार्ट बनेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। देन यहाँ पर एक कीड़े का फोटो है, तो अगर आप इसको बीच में से काटते हो तो इस साइड सेम टू सेम पार्ट होगा और इस साइड सेम टू सेम पार्ट होगा, तो इसको हम लोग बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, यानी कि आधा आधा अगर आप काटोगे तो सेम टू सेम होगा बिल्कुल, जैसे कि अगर एक आदमी को भी आप काटते हो बीच में से, मान लो एक ह्यूमन है, इसको अगर हम बीच में से काटते हैं तो इस साइड इक्वल पार्ट होगा, इस साइड इक्वल पार्ट होगा, तो इसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, फर्स्ट का असिमेट्रिकल, बी का रेडियल सिमेट्रिकल एंड सी का बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो ये था आज का वीडियो, आज हमने देखा चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज। अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ये जो चैप्टर है इसका एक्सरसाइज का पीडीएफ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा हमारी ब्लॉगर की वेबसाइट का,
उस आर्टिकल का। तो सिंपली आपको जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ओपन करना है, और एक आपको दिखेगा ऐसा लिखा हुआ क्लिक हियर टू डाउनलोड ब्लू कलर में, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो भी ड्राइव रहेगा उसमें PDF ओपन हो जाएगा, उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना और स्टडी करना। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमें, और फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं किसी वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।